नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, सादर वंदे, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित, परिज्ञान क्लासेज जोधपुर। मित्रों, पिछले लंबे समय से और खास करके कोरोना से उपजी विषम परिस्थितियों के कारण आप में से जितने भी रिट के अभ्यर्थी है, आप में से जितने भी रिट के प्रतियोगी योद्धा है, जो लंबे समय से रिट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी गंभीर ऊहापोह की स्थिति में है। क्या करें और क्या न करें, यानी गंभीर किंग करते हुए विमूड की स्थिति आ गई है। और लगातार रिट के जितने भी विद्यार्थी हैं, टेलीफोनिक माध्यम से, अन्य सूचना संप्रेषणों के माध्यम से, जब जब उनके मुझे संदेश मिलते हैं, जब जब उनसे बातचीत होती है, तो गहरी निराशा और विषाद को प्रकट कर रहे होते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिट का क्या होगा, भर्ती कब तक आएगी, पैटर्न कब तक रहेगा, क्या वाकई ये सरकार रिट की भर्ती निकालने हेतु गंभीर है, हमारा कोर्स कैसे होगा, सफलता कैसे मिलेगी, इन सारी की सारी बातों को लेकर काफ़ी निराशा और हताशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है रिट के अभ्यर्थियों में। तो मित्रों, अपनी निराशा को, अपनी हताशा को, अपने विषाद को दूर निकालें। ये तो तय है मित्रों कि रिट की भर्ती लंबे समय से अटक रही है और सरकार तारीख पे तारीख और इससे जुड़ी हुई अन्य असामान्य परिस्थितियां आ रही है। पर इतना तो तय है मित्रों कि रिट की भर्ती को तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल। सितंबर की संभावित परीक्षा भले ही मित्रों दिसंबर में घोषित हो और परीक्षा चाहे अगले साल फरवरी मार्च तक हो, पर यह निश्चित है एग्जाम तो होगा, ये तो निश्चित है, विज्ञप्ति आएगी। सरकार लगातार पिछले लंबे समय से आप देख और सुन रहे हैं विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से, राजस्थान के मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अखबार में भी इससे जुड़ी हुई कई तरह की सकारात्मक समाचार आप देख और पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब सरकार इस भर्ती को लेकर गंभीर जरूर है, आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने, उससे अगले महीने रिट की भर्ती आना निश्चित है मित्रों, ये मान के चलें। जो एग्जाम सितंबर में नहीं हो सके, वो एग्जाम अगले साल फरवरी मार्च तक होने निश्चित है मित्रों। तो अपनी निराशा के घर से बाहर निकलिए। आज मुझे आपसे बात करने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप सकारात्मकता को लेकर आए, अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालें। रिट की भर्ती आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो बजाय इसमें समय जाया करने के कि कब आएगी, बेहतर ये होगा कि आप तो बस तैयारी में जुट जाएं, अपनी मेहनत में जुट जाएं। इम्पोर्टेंट ये नहीं मित्रों कि भर्ती कब आएगी, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, और अगर भर्ती आती है तो क्या आप अपनी तैयारी को सफलता के अंजाम तक पहुंचा सकते हो क्या। तो मैं वापस आपसे कह रहा हूं, गंभीर तैयारी में जुट जाइए। अगर भर्ती आती है और अचानक से परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाती मित्रों, तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। रिट का सिलेबस बहुत बड़ा है मित्रों, प्रतियोगिता काफी गंभीर है, तो आज से ही तैयारी में जुटें और बिल्कुल इंतजार न करें कि भर्ती कब आएगी, इन सारी चीजों से बाहर निकल जाएं। अपनी तैयारी इतनी सटीक रखें, अपनी रणनीति इतनी सॉलिड रखें, और भर्ती आए उससे पहले एक बार आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है आप रिविजन में आ जाएं, तो आप औरों से बेहतर और औरों से आगे रहेंगे। मित्रों, आपकी सहायता के लिए लगातार पिछले 3 महीनों से परिज्ञान क्लासेज अपने योग्य शिक्षकों की सहायता से रिट के लिए तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को लेकर लगातार शाम को 4 से 7 बजे आपके सामने उपस्थित है। लगातार हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं, बहुत बढ़िया मैटर, बहुत शानदार कंटेंट हम आप लोगों को दे रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और नई चीजें हम आपको देना चाहते हैं और उसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, कंटेंट हम आपको लगातार दे रहे हैं, पर लगातार आप लोगों की मांग रही है कि सर टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर का भी आयोजन किया जाए और खास करके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर लिया जाए, ऐसी आप लोगों की मांग रही है। हालांकि हम टॉपिक आधारित लगातार मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर ले रहे हैं, पर आपकी मांग को देखते हुए मित्रों आज से ही, जी हाँ आज से ही हम आपके सामने आज मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, पूरे सिलेबस पर आधारित। हमारा यह प्रयास रहेगा मित्रों कि प्रति सप्ताह कम से कम 2 दिन इस तरह का संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर हो जो किसी एक विषय पर आधारित हो। जैसे आज और कल 2 दिन लगातार हम मनोविज्ञान के मॉडल पेपर को लेकर आएंगे, जिसमें पूरे मनोविज्ञान के सिलेबस में से 30-30 प्रश्न होंगे। अगले सप्ताह इसी तरह से हम हिंदी का मॉडल पेपर 2 दिन का लेकर आएंगे, अगले सप्ताह इंग्लिश और संस्कृत के मॉडल पेपर होंगे। तो हर सप्ताह में आप 2 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे पूरे सिलेबस पर आधारित, तीनों ही विषयों से संबंधित। उसके बाद प्रति रविवार को सायंकालीन कक्षा में किसी एक विषय पर आधारित
लंबा लंबा मॉडल पेपर व्याख्यात्मक हल सहित, जिसमें कम से कम आप 100 150 200 प्रश्नों को हल कर सकें। वो किसी एक टॉपिक पर आधारित भी हो सकता है या पूरे सिलेबस पर आधारित भी हो सकता है। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी मित्रों आपके लिए, आप ध्यान रखें। एक तो प्रति सप्ताह हर विषय पर आधारित कम से कम 2 मॉडल पेपर आपके सामने होंगे संपूर्ण सिलेबस पर आधारित, और प्रति रविवार सायंकालीन कक्षा में कम से कम 3 घंटे तक कोई एक टीचर आपके सामने मौजूद होगा बहुत लंबा मॉडल पेपर लेकर व्याख्यात्मक हल के साथ में। उसके लिए आपके जितने भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासा है, जितने भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में, संबंधित टीचर के वीडियो के बॉक्स में आप इस तरह अपने सारे प्रश्न सारी समस्याओं को लिख दें। हर रविवार को हर टीचर जो अपना मॉडल पेपर आपके सामने रखेगा उसमें आपके द्वारा पूछे गए जिज्ञासा प्रश्न, आपके द्वारा रखे गए समस्यात्मक प्रश्नों को लेगा, उसको हल कराएगा, ताकि आपके भ्रम और आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। तो मित्रों, हमेशा शाम को 4 से 7 लगातार कक्षाएं रहेगी, लगातार हम आपको कंटेंट देते रहेंगे, पर प्रति सप्ताह कम से कम 2 मॉडल टेस्ट पेपर सिलेबस पर आधारित होंगे, और प्रति रविवार किसी एक विषय पर आधारित काफी लंबा समस्यात्मक मॉडल पेपर कहते हैं, समस्यात्मक हल कह लें, जो भी कहते हैं, इस तरह का एक पेपर, एक कंटेंट आपके सामने होगा, ताकि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे और आप सतत रूप से अपनी तैयारी का आकलन करते रहें, कहाँ गलतियां करते हैं, कहाँ कमी रहती है आपके अंदर, आप उन चीजों को भी आप समझ सकें और अपना समाधान संबंधित शिक्षक से मांग सकें। तो मित्रों, 2 बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। निराशा के गर्त से बाहर निकलिए, अपने अंदर आशा का संचार करें, अपने अंदर की उम्मीदों को जगाए रखें, भर्ती निश्चित रूप से आएगी, अपनी तैयारी को बस धार दें, अंतिम रूप दें और बहुत समग्र रणनीति के साथ अपनी तैयारी करें, ताकि फिर पछताने का मौका नहीं मिले। लगातार जुड़े रहें परिज्ञान के साथ, लगातार परिज्ञान कक्षाओं को अटेंड करें, परिज्ञान क्लासेज के इस तरह के मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और सॉल्ट पेपर को हल करें, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित अपना मूल्यांकन करें, अपने मित्रों को अपने परिचितों को भी सूचित करें, इस वीडियो को प्रेषित करें, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और आपके परिचितों को इसकी जानकारी, ये सूचना मिल सके। तो मित्रों, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, निश्चित रूप से बहुत जल्दी भर्ती के शुभ समाचार आपके सामने होंगे और आपकी सफलता में परिज्ञान सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।